क्वेश्चन नाइन नंबर नाइन क्या कह रहा है? देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एबसेंट ऑन दैट डे. ये नेक्स्ट सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस है यहां से यहां तक. फिर नेक्स्ट सेंटेंस है यहां से यहां तक, ठीक है, और उसके बाद थर्ड सेंटेंस है यहां से यहां तक. तो ये तीन सेंटेंसेस हैं, और तीन सेंटेंसेस में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ जानकारी दी गई है. पहले पहले सेंटेंस में क्या जानकारी दी गई है सर? बट वाई नंबर का कोई वो दिया है वैल्यू? हाँ, वाई नंबर को क्या वाई नंबर का कोई वैल्यू दे रहा है? नहीं, वाई नंबर वाई तो वाई है, यही तो हमने सीखना है. अगर वेरिएबल का जरूरी नहीं है हमेशा कोई वैल्यू हो. वाई मान लो एक नंबर है, आप उसको नंबर मान लो, एनी नंबर मतलब एनी, हाँ मतलब उस नंबर का नाम ही वाई है. तो जो भी आप उस नंबर को करोगे, जैसे मान लो पांच है, अगर पांच को मल्टीप्लाई करना है तो आप इस वाई को मल्टीप्लाई करो, पांच को अगर आपने ऐड करना है तो इस वाई को ऐड करो. तो आप मान लो ये वाई जो है एक नंबर है, और वो क्या बता रहा है वो आपको समझना है. वो वाई नंबर क्या बता रहा है? वाई जो वाई नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, देयर वर 32, देयर वर 32 स्टूडेंट्स इन ए क्लास. इसका क्या मतलब हुआ कि क्लास में 32 स्टूडेंट्स थे, और उस दिन ऑन दैट डे वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एबसेंट ऑन दैट डे. ये सेंटेंस नंबर टू है. फिर सेंटेंस नंबर थ्री बोल रहा है, द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लांटेड 15 प्लांट्स ईच. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लांटेड 15 प्लांट्स ईच. और लास्ट में ये जो है ये क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है, हाउ मेनी प्लांट्स वर प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑन दैट डे. तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? तो मैंने क्या आपको बोला, आपको कैसे करना चाहिए, आपको दो हिस्सों में बांटना चाहिए. एक साइड में लिखना चाहिए गिवन, और एक में लिखना है कि आपको क्या फाइंड करना है. गिवन में आपको तीन सेंटेंस में तीन इंफॉर्मेशन दी है. ये पहला सेंटेंस है, ये फिर दूसरा सेंटेंस है, और ये तीसरा सेंटेंस है. इन तीनों सेंटेंस में आपको कुछ कुछ जानकारी दी गई है, वो जानकारी आप यहाँ पे लिखो. समझने के बाद पहले समझो कि क्या जानकारी दी है, क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई है. तो पहली इंफॉर्मेशन क्या दी है आपको, कौन बताएगा? हाँ बताओ आदर्श. मैम सर 32 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, टोटल स्टूडेंट 32 स्टूडेंट्स क्लास में है. हाँ तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? 32. ये तो पहला हो गया, ठीक है. सेकंड इंफॉर्मेशन क्या दी गई है सर? वाई स्टूडेंट्स एब्सेंट थे. हाँ तो एब्सेंट कितने स्टूडेंट थे? वाई. फिर नंबर तीन जो है वो क्या बता रहा है, थर्ड सेंटेंस? सर जो स्टूडेंट्स बच गए उन्होंने हर एक ने 15 प्लांट्स किए. 15 प्लांट्स फिर नहीं किए, 15 प्लांट्स ईच जो बच गए. रेस्ट मतलब जो बच गए. वेरी गुड. जो बच गए, तो बच गए मतलब तो बच जो एक्चुअली आए थे उस दिन, जो प्रेजेंट थे. टोटल तो 32 है और एब्सेंट वाई स्टूडेंट है. जो बाकी बच गए यानी कि जो उस दिन प्रेजेंट थे, उन्होंने कितने पेड़ उगाए? 15 प्लांट्स ईच. हर एक ने 15 प्लांट्स लगाए. तो टोटल फिर ये क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी प्लांट्स. सो टोटल प्लांट्स पूछ रहा है,
टोटल प्लांट्स कितने उन्होंने उगाए, वो आपको एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है। अब ये जो तीन तीन जानकारी आपको, तीन इंफॉर्मेशन है, यहां से आप कैसे फाइंड करोगे बताओ। शाबाश। सर मतलब कि हर एक बच्चे ने, हर एक प्लांट को, हर एक बच्चे ने 15, हाँ हर एक बच्चे ने 15 प्लांट्स उगाए, प्लांट किए, लेकिन बच्चे प्रेजेंट कितने थे? प्रेजेंट तो 32 नहीं, लेकिन उस दिन टोटल हुआ, तो उस दिन प्रेजेंट बताओ ना कितने थे। हाँ 32 माइनस y जो प्रेजेंट थे उस दिन, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इसको आप प्रेजेंट भी लिख सकते हो। उस दिन जो प्रेजेंट थे, जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे उन्होंने ही तो प्लांट लगाए, जो एब्सेंट थे उन्होंने थोड़ी ना लगाए। तो प्रेजेंट कितने थे? टोटल 32 थे, उसमें से y एब्सेंट रहे, तो 32 माइनस y। सर बट y का तो वो कोई वैल्यू नहीं है, तो हाँ तो वैल्यू ना भी तो हो आप तो ये भी लिख दे, तो ये लिख देंगे ना फिर, तो 32 माइनस y बस इतना ही लिख देंगे। हाँ बस इतना ही लिखेंगे, इसीलिए मैंने ये ब्रैकेट में लिखा। तो 32 माइनस वाई जो है ये आपको क्या बता रहा है? ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन आपको क्या बता रहा है? कितने बच्चे प्रेजेंट थे। वेरी गुड। फिर लास्ट में हमें बोला है कि हर स्टूडेंट ने, ईच वर्ड ईच लिखा है, हर स्टूडेंट ने 15 प्लांट्स उगाए, तो टोटल कितने प्लांट्स उगे बताओ। नहीं राजवी, आपने 480 कैसे कैलकुलेट किया? आपने किसको मल्टीप्लाई किया? 480 कैसे आंसर आया आपको? 32 माइनस y मल्टीप्लाई 15। क्या 32 माइनस y मल्टीप्लाई 15? वेरी गुड। सो ये जो ये नंबर है 32 माइनस y, इसको पहले ब्रैकेट में लिखना है। क्यों? ये हमें बताता है कि इतने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे और एक स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट ने 15 प्लांट्स प्लांट किए, तो इस पूरे को, इस पूरे ये जो ब्रैकेट आएगा ना, इस पूरे, सुनो पहले सुनो, इस पूरे ब्रैकेट को 32 माइनस y, इस पूरे को 15 से मल्टीप्लाई करना है, बस यही आंसर है। ये जो है ये आपका एक्सप्रेशन है। सो एक्सप्रेशन क्या है? 32 माइनस y मल्टीप्लाइड बाई 15। वो आप ब्रैकेट के बाद में लिखो या ब्रैकेट से पहले लिखो, एक ही बात है, 15 मल्टीपल है। तो ये जो है ये आपका आंसर है। तो इन क्वेश्चंस, हाँ सर बट ये मल्टीप्लाई का साइन तो जरूरी नहीं है ना, 32 माइनस y सीधा ये 15 लिख देंगे, क्योंकि वो y तो 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो मल्टीप्लाई का साइन हाँ, तो एलजेब्रा में मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है, इसलिए हम इस मल्टीप्लिकेशन को हटा सकते हैं, लेकिन हमें ब्रैकेट तो लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट तो आपको लिखना पड़ेगा, और अगर आपको ब्रैकेट को मिटाना है तो फिर ये किसके बराबर होगा? हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहले 15 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस फिर 15 को y से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये जो भी आता है 52 मल्टीप्लाइड बाई 32 कितना होता है? ये राजवीर ने कैलकुलेट किया था, ये वाला हिस्सा तो 480 आता है, लेकिन एक्चुअली आंसर 480 नहीं है, आंसर है 480 माइनस
13y, ये पूरा का पूरा आंसर है। तो आप ये आंसर लिखो या केवल इतना लिखो 15 को 32 माइनस वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी करेक्ट है। और इसको जब हमने एक्चुअली एक्सपेंड किया, जब हमने ये ब्रैकेट हटाया, तो ये आंसर ऐसे मिला हमारे को, समझ गए। तो ये जो एक्सरसाइज है 15.14 जो गूगल क्लासरूम में, देखो जैसे मैं इसको बंद करूंगा आपको पता चलेगा ये कहां पे है, ये वाली एक्सरसाइज जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ये कहां पे है, मैथ मॉड्यूल, हाँ गूगल क्लासरूम में 15.14 बेसिक एक्सप्रेशंस वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इनके आप ये लिंक्स भी करो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसमें छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं। और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। तो मैंने आपको कहा था कि आपको ये क्वेश्चंस जो है, जैसे मान लो ये लिंक, ये जो 9 क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ तो आपको अटेम्प्ट करने ना, कुछ कोशिश तो करनी है। अगर आप कोशिश, कहाँ आपने दिखाया ही नहीं मेरे को, अगर आपने किए नहीं तो गूगल क्लासरूम में नहीं जाती है, तो व्हाट्सएप पे तो भेज सकते हो। ओके सर, अगर गूगल क्लासरूम में आजकल प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आज गूगल वालों को लिखा भी है, उनका जवाब भी आया कि हम कोशिश करेंगे, हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं अटैच हो रहा है। मैंने उनको लिखा है कि हमारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रही है, तो वो शायद ठीक कर देंगे उस प्रॉब्लम को। मेरा पहले यही होता था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वो तो अलग बात है। अगर मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपने ये कॉपी में किया है, तो उसकी आप जो फोटो गूगल क्लासरूम में भेजते हो, वो कम से कम अभी व्हाट्सएप पे भेज दो। कम से कम मुझे ये तो पता चलेगा कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहा है या समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप अभी मान लो आप क्लास में बैठते हो, और क्लास में आप हम एक घंटे के लिए बैठते हैं, उसके बाद पूरा पता नहीं चलता है कि आप लोगों को कितना समझ में आया। तो जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉपी में लिखोगे नहीं और वो सबमिट करोगे, तब मैं उसको देख के मुझे पता चलेगा अरे हाँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। बताओ क्या होम पूछना चाहते हो? Nothing, sir. Okay. So, इन questions को इनकी खूब प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन से आपको ये समझ में आएगा जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, जैसे यहाँ जैसे ये है, इनको पहले आप सेंटेंसेस में ब्रेक करो, और फिर लास्ट का सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन है, वो कुछ पूछ रहा है, तो आप फिर ट्राई कर सकते हो कि उसको एक्सप्रेशन में जो आंसर होंगे ना इसके, क्योंकि सारा वेरिएबल है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में टी वेरिएबल है, सेकंड में पी, फिर यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ वाई, यहाँ पे फिर टी, यहाँ पे एक्स, तो सारे वेरिएबल हैं। तो इनका कोई, क्योंकि इन वेरिएबल का कहीं वैल्यू तो लिखा नहीं है, तो जो आंसर आएगा वो वेरिएबल में ही होगा, ठीक है। तो ये आप ट्राई करना। ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ हमारा, वापस चलते हैं गूगल क्लासरूम में, ये आपका 15.14 है, क्योंकि जो 15.1 है ये हमें बताता है ये किस बारे में, एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स को हम इस्तेमाल करेंगे और फिर हम उनका एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो इसमें इसमें ये जितने भी हैं इनको आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। 15.11 से लेके 15.15 तक। अब देखो 15 देखते हैं आज, ये शायद आसान होगा। देखो
15.15 जो है उसको मैं दिखाता हूँ आपको, देखते हैं अभी कौन करेगा। अभी देखो ये बहुत आसान है, इसको ध्यान से देखना क्या लिखा है। राइट एन एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट, आपने क्या दर्शाना है, क्या रिप्रेजेंट करना है, ये थ्री मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ टू एंड एक्स। बताओ आंसर क्या होगा, हु विल टेल मी आंसर। यस आदर्श सर, थ्री टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस थ्री। क्योंकि थ्री मोर देन प्रोडक्ट ऑफ टू एंड एक्स, तो टू और एक्स का प्रोडक्ट क्या होगा, टू एक्स। हाँ तो मल्टीप्लीकेशन तो हम लिखते नहीं है, तो टू एक्स हो जाएगा, और थ्री मोर देन तो इसमें हम थ्री एड कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपको ये फोर क्वेश्चंस हैं, तो आप फोर क्वेश्चंस ये कर सकते हो, ठीक है, ये बड़े सिंपल से। तो ये तो हो गया 15.15, तो इसको भी मैं साइन करता हूं जो कि आपको दिखाई देगा 15.15। तो ये भी आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, जो 15.1 की एक्सरसाइजेज है, वन के नीचे, वन का देखो ये जो मेन टॉपिक है ना, इसको देखो, इसकी शक्ल भी अलग बनाई है मैंने, फिर इसके अंदर असाइनमेंट्स है, ये 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 ये, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक 15.2, टू के अंदर। आदर्श आपके शोर मचता, आप माइक बंद रखो, अभी जब पूछूंगा तब ऑन करना। फिर ये 15.2 है, इसके अंदर 21, 22, 23, 24, ये हम एक एक करके क्लास में करेंगे। जैसे अभी 2.1 है, 15.2 पार्ट्स ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये तो आप लोगों को आता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट क्या क्या होते हैं, चलो लिखो कॉपी में, पार्ट्स ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या लिखना है, अभी मैं बताता हूं। कॉपी में ये टॉपिक लिखना है, पार्ट्स ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे ही मान लो ये एक एक एक्सप्रेशन है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन क्या है, 5ab प्लस फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है, इसमें कितने हिस्से हैं, अब ये यहां पे ये कह रहे हैं कंप्लीट टू डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन, इन दो को हमें कंप्लीट करना है। देखो पहले क्या लिखा है, द एंटायर एक्सप्रेशन इज ए सम, ये जो एक्सप्रेशन है ये सम किस किस का है। अब यहां पे आपको ऑप्शन इसमें क्या क्या, या तो ऑप्शन है दो, टू फैक्टर्स, थ्री फैक्टर्स, टू टर्म्स, थ्री टर्म्स, तो किसको सिलेक्ट करूं मैं, हैं फैक्टर, फैक्टर कौन कौन से हैं, फैक्टर तो तब होता है जब वो आपस में दो दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो, यहां मल्टीप्लाई कहां है, शाबाश बताओ।
सर टू टर्म्स कौन कौन से टू टर्म्स हैं सर फाइव ए बी फाइव ए बी हाँ ए प्लस बी ए प्लस बी एक टर्म है ये एक टर्म है बीच में ऐड हो रहा है लेकिन जब आप इस ब्रैकेट के बीच में भी अगर आप देखोगे इस ब्रैकेट को अगर आप खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा फाइव ए बी प्लस ए प्लस बी क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर क्या है कुछ भी नहीं है दैट मीन्स वन है अगर आप वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा तो अब तो थ्री टर्म्स दिखाई दे रहा है ये फाइव ए बी एक टर्म ए दूसरा टर्म बी तीसरा टर्म टर्म क्या होता है कोई भी एक्सप्रेशन जैसे अगर यहाँ पे मेरा अगर मान लो एक्सप्रेशन ऐसे है टर्म होता है एक्सप्रेशन का वो हिस्सा तो दो हिस्से आपस में अलग अलग जो अलग किससे हो रहे हैं या एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से तो वो तो टर्म्स बन गए और अगर मल्टीप्लिकेशन से अलग हो रहे हैं जैसे सपोज ये है फाइव ए बी फाइव ए बी का क्या मतलब है फाइव मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी तो यहाँ ये जो तीन अलग अलग हो रहे हैं इनको हम टर्म्स नहीं बोलेंगे ये तो मल्टीप्लिकेशन से अलग हो रहे हैं तो ये जो मल्टीप्लिकेशन से अलग होते हैं उनको क्या बोलते हैं वो तो फैक्टर्स बन गए जैसे अगर मैं लिखूं 15 को अगर मैं लिखूं 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो मैं कह सकता हूं ये दो 5 एंड 3 दीज टू आर फैक्टर्स ऑफ 15 और 15 उनका प्रोडक्ट है या मल्टीपल है इसी तरह इस एक्सप्रेशन को देखना है तो इसके अंदर हमारे पास तीन टर्म्स हैं तो मैं लिखूंगा थ्री टर्म्स और फिर नेक्स्ट है ऑन इट्स ओन फाइव ए बी फाइव ए बी इज द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स कहाँ होंगे फैक्टर्स होंगे हाउ मेनी फैक्टर्स थ्री फैक्टर्स हाँ क्योंकि 5AB जो है उसमें तीन फैक्टर है एक 5 है एक A है और एक B है तो तीन फैक्टर्स बन गए क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन है बीच में तब तो ये फैक्टर्स बन गए और जब एडिशन है तब वो टर्म्स बन गए समझ में आ रहा है यस सर ये क्यों कह रहा है ठहरो यस थ्री टर्म्स होना चाहिए या टू टर्म्स होना चाहिए हाँ ये देखो ये इसका तो सही था आदर्श का एक्चुअली मैंने इसको एक्सप्रेशन को ओपन किया ये कह रहा है द एंटायर एक्सप्रेशन इज ए सम ऑफ टू टर्म्स नॉट फैक्टर्स अभी जैसे आदर्श ने कहा इसमें दो टर्म्स हैं एक फाइव ए बी है और एक ये पूरा का पूरा है a प्लस बी तो अभी हम इसके आंसर को करेक्ट करते हैं तो पहला वाला क्या होगा एंटायर एक्सप्रेशन जो है इज ए सम ऑफ टू टर्म्स और 5ab जो है वो प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स अब हाँ चलो अब नेक्स्ट करते हैं अरे ये क्या हो गया एनीवे अभी देखो अब ये कह रहा है कायरी एंड जायला ये मान लो दो फ्रेंड्स हैं ठीक है इनके नाम हम इंडियन नाम रख लेते हैं एक का नाम रख लेते हैं क्या नाम इसमें दिखा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ कोई बात नहीं वो क्योंकि हमने स्किप कर दिया था ना
अब हम पहले इसको समझेंगे. काइरी एंड जायला वेर ट्राइंग टू डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशन है. अब सिर्फ एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो. फिर जायला ने क्या बोला. जायला सेड द एंटायर एक्सप्रेशन इज सम ऑफ फाइव टर्म्स. और काइरी ने बोला द एंटायर एक्सप्रेशन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर फैक्टर्स. अब ये कह रहा है हु इज करेक्ट. इनमें से करेक्ट किसने बोला. और हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं. अभी कायला ने सही बोला या गलत बोला पहले ये बताओ. चलो अंजलि आप बताओ. आपको समझ में आ रहा है फाइव टर्म्स. अंजलि टर्म्स और फैक्टर्स समझ में आ रहा है. हाँ तो अब मेरे को बताओ ये जो जायला ने बोला कि ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या है. सम ऑफ फाइव टर्म्स. सही बोला गलत बोला. चलो कौन बताएगा. चलो आदर्श बताओ. सर गलत बताया. हाँ गलत क्योंकि इसमें पांच टर्म्स तो दिख ही नहीं रहे. कहाँ पांच टर्म्स. और फिर काइरी ने बोला एक्सप्रेशन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर फैक्टर्स. सर ट्रू. तो गलत होगा. ये भी गलत है. इसमें कितने फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं. सर टू. दो ही फैक्टर हैं विशाल. मल्टीप्लिकेशन किस किस के बीच में हो रहा है. इस पूरे ये वाला ब्रैकेट देखो ना. फाइव पी प्लस थ्री जो है ये और दूसरा पी प्लस वन. इन ये पूरा ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का क्या मतलब होता है. ब्रैकेट का मतलब है ग्रुप. ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है. इसका मतलब है ये दोनों फैक्टर हैं. तो टोटल कितने फैक्टर हैं. एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है. दो फैक्टर्स हैं. तो इसका मतलब है काइरी ने भी गलत बोल दिया. तो इसका आंसर क्या था. आंसर था Neither student is correct. दो में से कोई भी करेक्ट नहीं है. अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखेंगे. अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है. अब इसमें कह रहा है द एंटायर एक्सप्रेशन इज सम विद. देखते हैं ऑप्शन. बताओ क्या होना चाहिए आंसर. सर थ्री टर्म्स. ओके. एंड और साथ में क्या पूछा जा रहा है. द कोफिशिएंट क्या होता है. कोफिशिएंट क्या होता है. जो वेरिएबल के साथ वाला फैक्टर है उसको कोफिशिएंट मानेंगे हम. कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं. सर फोर. क्योंकि वेरिएबल एक्स स्क्वायर है और इसका साथ वाला फैक्टर है फोर. तो एक कोफिशिएंट तो फोर हो गया. और दूसरा कोफिशिएंट क्या है. सर थ्री. सर थ्री. अभी देखो. नो सर जीरो. जीरो का कोफिशिएंट है. ये इस एक्स का क्या कोफिशिएंट है. एक्स सर वन वन. हाँ ये सर वो तो एक्स की वैल्यू है ना. वैल्यू नहीं है. एक्स सिर्फ एक्स है. एक्स के साथ में किस और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है. वन तो हमेशा मान सकते हैं. अगर कोई भी सिर्फ अगर कोई भी वेरिएबल होगा उसके साथ में हम वन हमेशा मान सकते हैं.
तो इसमें कौन कौन सा कोफिशियंट है? एक तो ये 4 है क्योंकि ये x स्क्वायर के और x के साथ 1, तो कोफिशियंट है 4 एंड 1। अब फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, ये एक्सप्रेशन है और दो फ्रेंड्स हैं, जोआना एंड लिनी। राजवीर राजवीर माइक बंद करो, जब बोलना पूछूंगा तब बोलना। जोआना ने क्या कहा? द एंटायर एक्सप्रेशन इज सम ऑफ 4 टर्म्स। और लिनी ने कहा द कोफिशिएंट्स आर 3 एंड 0। तो कौन सा करेक्ट है सर? दोनों ही गलत हैं। क्यों गलत हैं सर? जोना सही है। जोना ने कहा 4 टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स हैं सर? 3। हाँ, तो फिर जोना करेक्ट कैसे है? इसमें तो 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, क्योंकि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म। और कोफिशिएंट कौन कौन से सर? 3 कोफिशिएंट हो गया। एक तो ये 3 कोफिशिएंट है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के साथ है, और 1, और इस x के साथ 1 है। 3 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर। तो ऑप्शन सी कि कोई भी स्टूडेंट करेक्ट नहीं है, समझिए। तो ये कौन सा आया था? ये था आपका 5.21। आपने लिखा कुछ कॉपी में? तो हमने इसमें क्या क्या सीखा? इसमें हमने सीखा कि एक्सप्रेशन को हम टर्म्स और कोफिशिएंट में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वाला मैं दिखाता हूँ, यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ। हमने क्या देखो, इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन, अभी हम ये पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो हमने पार्ट्स में क्या क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं हम? शाबाश टर्म्स। हाँ, पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन। कौन सा पार्ट? टर्म्स। हाँ, जो जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से अलग किए गए उनको हम बोलते हैं टर्म। और जो मल्टीप्लिकेशन से अलग किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। और जो वेरिएबल का फैक्टर होता है, अगर वेरिएबल के साथ एक और फैक्टर होगा, वेरिएबल के साथ अगर एक कांस्टेंट नंबर होगा, जैसे एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लिखें 3x, तो इसमें 3 क्या है? 3 इज कोफिशिएंट। लिखो कॉपी में कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमने कोफिशिएंट भी और एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल अभी देखा था, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था 3x² + x + 6, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है।
और इस एक्सप्रेशन के कितने कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं इसमें सर? थ्री थ्री टर्म्स, वेरी गुड। कौन कौन से टर्म्स हैं? थ्री एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स कॉमा कॉमा सिक्स सिक्स। और इसमें कोफिशिएंट अगर मैं बोलूं, कोफिशिएंट कौन कौन से सर? थ्री एंड एक्स, थ्री एंड सिक्स। थ्री नहीं, थ्री एंड वन। एक्स स्क्वायर एक्स, अब कोफिशिएंट क्या होता है? ऊपर देखो, कोफिशिएंट होता है जो कौन जो वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट होगा। अब वेरिएबल कहाँ है? एक तो एक्स स्क्वायर है, और इस एक्स स्क्वायर के साथ मैं इसका दूसरा जो फैक्टर है वो थ्री है और एक्स है। एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? वन। तो थ्री एंड वन आर कोफिशिएंट इस एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है? तो ये आपको 15.21 में मिलेगा। तो आप क्या करना, ये 15.21 को खुद फिर से देख लेना सर। खान अकेडमी में जो क्विज है, उसमें जो एक्स प्लस फोर का क्वेश्चन है और वेरियस कांस्टेंट वाले क्वेश्चन है उसमें, और जब हम आंसर लिखने को जाते हैं ना, तब वो कांस्टेंट का साइंस नहीं दिखाते। किस किस चीज की बात कर रहे हो सर? कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहे हो? 15.12 यस सर, जो कांस्टेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें जब आंसर लिखते हैं। पहले मुझे बताओ, ये इसकी बात कर रहे हो 15.12? यस सर। तो इसमें एक मिनट में चेक करता हूँ, अभी देखते हैं किसकी बात कर रहे हो। इसमें दो लिंक्स हैं, पहली पहला लिंक या सेकंड लिंक? पहला पहला। ओके, हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन में जब आंसर लिखना होता है तभी जो वेरिएबल्स होते हैं हमें वेरिएबल्स लिख लेने आते हैं उधर आंसर में। क्यों? अभी जैसे मान लो इसमें इसमें क्या आंसर क्या होगा? थ्री मोर देन टू, प्रोडक्ट ऑफ टू एंड एक्स। प्रोडक्ट ऑफ टू एक्स क्या होता है? टू एक्स। तो अब देखो इसके अंदर कैसे लिखूंगा मैं, अब यहां लिखूंगा थ्री, फिर प्लस प्लस साइन लिखना है तो यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा, इसको ये देखो ये प्लस दिख रहा है, प्लस फिर टू और एक्स, एक्स तो आपके उसमें आएगा अल्फाबेट एक्स, तो ये मैंने लिख दिया थ्री प्लस टू एक्स। सर आपने वो एक्स कैसे डाला? उधर तो ऑप्शन नहीं है। हाँ तो इसमें नहीं है, लेकिन आपके कीपैड पे तो आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसमें एक्स को करना। यस सर इट कम, आई हैव आल्सो सॉल्वड दिस। या इसमें देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ देखो ये यहाँ पे x है, यहाँ on that and variable comes, x is there only x comes, if y is there only y comes। या suppose देखो मैंने लिखा है 3 plus 2, now I have to write x, so I will click this one, ये this one, let me click and show you, now this here it is x, I will put x। Okay, sir. So now you are getting 3 plus 2x. Now you click check.
यस सर ओके यस सर ओके सो व्हाट यू शुड डू ऑल ऑफ यू क्योंकि आई हैव अरेंज्ड ऑल दीस इफ यू आर डूइंग एलजेब्रा वी विल बी डूइंग ऑल दीस इफ यू सी द मेन टॉपिक 15.1 then 15.2 15.3 15.4 15.5 and 15.6 फिर इसके जो इसके नीचे है वो दे आर स्मॉलर टॉपिक्स जैसे 15.5 है देन 15.51 52 53 54 55 57 देन 15.6 तो जो मेन टॉपिक्स है वन इज आई हैव पुट सम स्टार द अदर इज इफ यू सी जो मेन टॉपिक का साइन है ना दिस सिंबल इट इज डिफरेंट देन योर असाइनमेंट्स दीज आर डिफरेंट तो टुडे वी हैव डन 15.21 parts of algebraic expression then we will do quickly abhi hamare paas thoda sa time hai let us do like terms and with distribution now I'll tell you what do you mean by that what do you mean by like terms So let me write it here. You also note down like terms. Like terms. Now term you know in algebraic expression. Suppose I have 5x plus 6y plus 2. Like term hoga. Those terms which have same variable. जिसमें same variable होगा वो उनको हम बोलेंगे like terms. अभी इसमें पहला टर्म क्या है 5x इसमें तो वेरिएबल x है इसमें वेरिएबल y है और इसमें वेरिएबल नहीं है तो इसमें कौन से लाइक टर्म्स हैं देयर आर नो लाइक टर्म्स नाउ फॉर एग्जांपल आई राइट 5x plus 6xy plus 7x plus 6y इसमें कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं दिस इज फर्स्ट वन टर्म दिस इज अनदर टर्म दिस इज थर्ड टर्म दिस इज फोर्थ टर्म और इनमें से लाइक टर्म वही होंगे जिसके वेरिएबल सेम होगा अब इसमें एक्स है इसमें भी एक्स है सो दीज टू आर लाइक इसमें एक्स एंड वाई दोनों है इसमें देयर इज ओनली वाई सो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स सो ओनली लाइक टर्म्स यू कैन एड So you should write, you can add or subtract only like terms. You can add or subtract Only like terms. समझ में आ रहा है? लेकिन जो जो like नहीं है, for example unlike,
अनलाइक टर्म्स को आप यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड आप सबों को कर सकते हो, लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली लाइक टर्म्स. ठीक है, याद रहेगा ना? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाइड बाय 3y. नाउ दीज आर अनलाइक टर्म्स, बट बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन आई कैन डू. सो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 15, x को y से मल्टीप्लाई करूंगा xy. बट इफ आई हैव 5x प्लस 3y, देन आई कैन नॉट एड देम बिकॉज आई हैव टू एड ओनली लाइक टर्म्स. देन माई आंसर विल बी सेम, 5x प्लस 3y. आई कैन नॉट एड देम. ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर. याद रह गया ना? समूह को याद रहेगा? Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट है. यू कैन लाइक टर्म को आप एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. जो अनलाइक, जब मल्टीप्लीकेशन है तब आप लाइक को भी कर सकते हो और अनलाइक को भी कर सकते हो. नाउ लेट अस डू दिस एक्सरसाइज 515.22. वी विल डू जस्ट वन क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ देम यू शुड ट्राई एट योर होम एट योर ओन पेस. इसको मैं क्लिक करता हूं. अब ये क्या, ऊपर क्या लिखा हुआ है? आप कॉपी में लिखो कंबाइनिंग. अब इसको कंबाइन करना है, यानी कि हमने ऐड करना है लाइक टर्म्स विद डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन किसकी प्रॉपर्टी होती है? मल्टीप्लीकेशन की. अभी देखो, इसमें पहला ये लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? a प्लस 2, और a प्लस 2 को किसने मल्टीप्लाई करना है? 8. सो 8 विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड. हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट इट? फर्स्ट यू मल्टीप्लाई 8 एंड a, सो इट बिकम्स 8a. देन यू डिस्ट्रीब्यूट विद 2, सो इट बिकम्स 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 16. देन नेक्स्ट 2 डिस्ट्रीब्यूटेड, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3a इज 2 3s आर 6a. नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई इट. अब इसमें देखो, नाउ देयर इज एडिशन. सो एडिशन यू कैन डू ओनली लाइक टर्म्स और कांस्टेंट. तो लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? 8a एंड 6a. सो दिस विल बी 14a, एंड 16 प्लस 4 इज 20. सो दिस इज माय आंसर. ओके, सो यू कैन राइट 14a प्लस 20, और यू कैन राइट 20 प्लस 14a, बोथ आर करेक्ट. सो लेट अस राइट हियर. सो आई विल राइट 14a. नाउ सी, इफ यू सिलेक्ट a, तो 14a प्लस, व्हाट वाज द आंसर? 20. So you can write 20. So this is my expression. 14a plus 20. Now इसको check करते हैं. Yes.
नाउ यू हैव टू डू दिस एक्सप्रेशन. इसमें यू शुड बी केयरफुल, जो ये डॉट है ना, डॉट, दिस डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. नाउ यू कैन डू दिस वन. दिस फोर, फोर को क्या हो रहा है, फोर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है. दैट मीन्स यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट फोर. तो पहले फोर इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर फोर इसको करो. व्हाट विल बी द आंसर? थ्री प्लस फोर को फाइव एच से करेंगे तो फोर फाइव आर 20H. फिर बीच में प्लस है, फोर इंटू टू इज एट. नाउ व्हाट विल बी, नाउ सिंप्लीफाई, 20H प्लस 8 एंड 3 11. सो दिस इज माई आंसर. सो दिस इज योर होमवर्क 15.22. ओके. Yes, so up, you all of you should try this one, 15.22. और जिनका पीछे मिस हो गया है, they should do previous also. 15.21, both of them. Okay? Yes, sir. चलो, and now I'll end the class. Do it on your copy, and अगर Google Classroom में नहीं हो रहा है, तो WhatsApp कर लो. Okay, sir. Okay then, bye. Okay, sir. Bye. Bye.